आज के लिए हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक बार आप नोटबुक निकालकर उस टॉपिक को लिखें। मैं एक्चुअली आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ना आपको लास्ट क्लास जब करवाई थी, अब बात करेंगे तो मैं करवा नहीं पाऊंगा बेटा अच्छे से। मैंने जब आपको लास्ट क्लास करवाई थी ना बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बेड डेप्थ के रिगार्डिंग एंट्रीज नोट करवाई थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बेड डेप्थ के रिगार्डिंग, ये देखिएगा, मैंने आपको एक एंट्री बताई थी बेड डेप्थ के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक एंट्री मैंने आपको करवाई थी प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ के लिए, और एक एंट्री मैंने आपको करवाई थी प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए। बेटा आज की जो क्लास है, मैं एक ऐसा केस आपको बना के दिखा रहा हूं जिसमें ये तीनों टॉपिक कंबाइंड आएंगे। तीनों टॉपिक कंबाइंड अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो आपको उनको डील कैसे करना है मैं वो आपको बता रहा हूं। सही बात है, एक छोटा सा सेशन है आज की क्लास का ये, पहले इसको आप समझ के चलिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन में आपको क्या फॉर्मेट मिलेगा और आपको उसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है, मैं वो बना के चल रहा हूं बेटा। अगर आप बात करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, और मैं भी आपको अच्छे से नहीं करवा पाऊंगा। आप मेरी बात को अच्छे से समझ के चलो, सुन के चलो, मैं क्या करना चाह रहा हूं सुनिए बेटा। मेरे पास है ना, जब ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का, एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, एक केस स्टडी मैं बनवा रहा हूं, नोट करिए। मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में लिखा गया होगा बेड डेप्थ्स। ट्रायल बैलेंस में फॉर एग्जांपल बेड डेप्थ्स गिवन है 2000, एक बार के लिए मान लेते हैं। हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर, एक काम करते हैं, डेटर्स का बैलेंस भी गिवन है। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का बैलेंस गिवन है 82,000, और ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ्स गिवन है, मान लीजिए 1500। ये लास्ट ईयर का प्रोविजन होता है बेटा, ये हमें गिवन है। बाकी फिगर्स भी गिवन होंगी, ट्रायल बैलेंस की बोथ साइड इक्वल होंगी, बाकी फिगर्स भी हमें गिवन होंगे। इसका एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर वन हमें लिखा होगा फर्दर बेड डेट्स हमारे हो गए 2000 रुपए के, फर्दर बेड डेप्थ्स की वैल्यू है 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ्स या प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ्स लिख लीजिएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ्स मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर प्रोविजन मेंटेन करके चलना है 5%। और थर्ड एडजस्टमेंट ये लिख देता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2% हमें मेंटेन करके चलना है। ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, हमें फर्दर बेड डेट्स भी बता दिया 2000, हमें बोलता है प्रोविजन मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स, और हमें बोलता है कि डिस्काउंट का प्रोविजन भी हमें डेटर्स पर मेंटेन करके चलना है 2%। अगर हम इसको बनाकर चलें तो कैसे डील करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। बेटे आप सीधा बैठो, चलिए अगर मैं इसको बनाकर चलूं तो कैसे इसको बनाएंगे पी एंड एल और बैलेंस शीट में,
बेटा एक तो आपको बनाना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट, एक तो हम लोग मेंटेन करके चलेंगे पी एंड एल अकाउंट, और एक मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। एक मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट, आप अपनी बातें खत्म कर दें बेटा। बैलेंस शीट भी बनाएंगे और पी एंड एल भी बनाएंगे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात बेटा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर्स हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, उनको सिर्फ लोकेशन देनी होती है, और जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है उनके एंट्रीज बनाकर हमें अकाउंट में डील करना पड़ता है। बेटा सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस में गिवन है बेड डेब्ट्स 2000। ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेब्ट्स हैं वो पी एंड एल की डेबिट में आ जाएगा बेटा, टू बेड डेब्ट्स। ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेब्ट्स है 2000 वो पी एंड एल में आ जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में दी गई फिगर्स को बेटा एक ही जगह लोकेट करना है, अलग अलग जगह नहीं आता है। के अंदर जो डेटर्स की फिगर गिवन है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है 82,000। ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स गिवन है बेटा 82,000, उसको आप बैलेंस शीट के एसेट्स में शो कीजिए, बैलेंस शीट की एसेट्स में शो कीजिए। अब हमें करना क्या है, अगर मैं इससे आगे डिस्कस करता हूं बेटा, सबसे पहली बात, एक हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे पास कितना है, 1500। बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये प्रीवियस ईयर में हमने बनाकर चले थे हम लोग, बट हमारे प्रीवियस ईयर के प्रोविजन में से कोई बैड डेट्स हुआ नहीं, तो वो इनकम बन जाता है करंट ईयर के लिए। मैं उसको बताऊंगा सबसे लास्ट में। अभी आप क्या करें, जो लास्ट ईयर प्रोविजन मेरे को गिवन है उसको मैंने अभी कहीं भी यूज नहीं किया, इसको एक बार के लिए मैंने रोक के रख लिया, इसको अभी मैंने डील नहीं किया। फिर मैं आ गया एडजस्टमेंट पर, इसने बोला फर्दर बैड डेट्स कितने हुए, 2000। बेटा फर्दर बैड डेट्स अगर होंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 2000 रुपए की अगर फर्दर बैड डेट्स होंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, डेटर्स अगर बैड डेट्स होंगे 2000 के फर्दर, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट ये एंट्री बनेगी, और इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि बैड डेट्स का जो अमाउंट होगा, एक तो उसको डेटर्स में से आप माइनस करो, बैड डेट्स जो फर्दर हुए 2000, एक तो आप उसको डेटर्स में से माइनस करेंगे, नेट डेटर्स बचेगा 80,000, और जो फर्दर बैड डेट्स आपने 2000 रुपीस डेटर में से माइनस किया है, पी एंड एल में शो किए गए बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड हो जाएगा, फर्दर बैड डेट जो हुआ वो ऐड हो जाएगा, फर्दर बैड डेट्स हुआ 2000 वो ऐड हो जाएगा। अभी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 4000। पहले से बैड डेट कितने थे, 2000, फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए, 2000, टोटल बैड डेट्स अब कितने हो गए, 4000। अभी उसके बाद क्या है, अगर जो फर्दर बैड डेट्स है उसकी एंट्री बनाने के बाद इसने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन हमें बनाकर चलना है बेटा। अगर डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन बनाकर चलेंगे तो मैं आपको याद करा दूं कि डेटर्स आपके पास थे 82,000, 2000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए, तो अभी डेटर्स कितने के हमारे पास, 80,000। बेटा इसके ऊपर आप प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बी डी लिखा मैंने, एट द रेट ऑफ 5%। एक बात याद रख के चलना कि बेटा वो इस 80,000 का 5% बनेंगे,
कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। याद रखना, पहले फर्दर बैड डेट्स की एंट्री होगी और उनको लेस करने के बाद जो डेटर्स बनेंगे उनके ऊपर प्रोविजन बनेगा। पहले फर्दर बैड डेट्स की एंट्री होगी और उसके बाद जो डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर प्रोविजन बनेगा 5%। तो अभी 5% प्रोविजन अगर आप 80,000 का 5% मेंटेन करते हैं 4,000, तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 76,000। प्रोविजन बनाएंगे 4,000 तो वैल्यू क्या बचेगी, 76,000। और जो ये 4,000 प्रोविजन आप करंट ईयर में बनाएंगे बेटा, ये भी आपके बैड डेट्स वाले अमाउंट में ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आप इसको भी ऐड कर लीजिए। कितना अमाउंट बनाया मैंने, 4,000 ना, ये भी ऐड हो जाएगा। टोटल बैड डेट्स का लॉस अब हो गया 8,000। ये पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट कोर एरिया है बेटा, ये पेपर में आता ही आता है आपके। ये बात आप मान के चलो, ये 100% आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर एग्जाम पेपर टीचर ने ठीक ठाक बना दिया तो बेटा तीनों एंट्रीज आएंगे और बैक टू बैक होगा ये, सही है। तो आपको याद रखना है, पहले क्या करना है, फर्दर बैड डेट्स की एंट्री करनी है, उसके बाद जो डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर डाउटफुल डेब्ट्स का जो प्रोविजन है वो मेंटेन करना है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बातें समझ के चलो। आपको करना क्या है, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है वो सिर्फ पीएनएल में आएंगे, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स गिवन, डेटर्स गिवन है वो सिर्फ बैलेंस शीट में आएंगे। फिर इसने बोला डेटर्स बैड डेब्ट्स हो गए 2000 के, फर्दर बैड डेब्ट्स को पीएनएल की डेबिट में ले आओ और डेटर में से माइनस कर दो। अब डेटर्स बच गए 80,000, इसके ऊपर प्रोविजन बनाकर चलेंगे 5%। तो 80,000 का 5% बनाएंगे 4,000, वैल्यू क्या बची, 76। और जो 4,000 का प्रोविजन आप बनाएंगे वो एक तरह का, वो भी तो लॉस ही है। पीएनएल की डेबिट में आप सेपरेटली लिखते या बैड डेट्स में ही ऐड करके चलो। अब कंक्लूजन ये है कि आपके एक्चुअल बैड डेट पहले से कितने के थे, 2,000, फर्दर कितने के हो गए, 2,000, टोटल बैड डेट्स हो गए 4, बचे हुए डेटर्स पर आपने प्रोविजन भी बना दिया 4, तो कुल मिलाकर आपका बैड डेट्स का लॉस कितना हो गया बेटा, 8,000। अभी बात को समझना, आपको याद है मैंने अभी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट नहीं किया था बेटा। ये प्रोविजन हमने लास्ट ईयर बनाया होगा 1500 कि अगर हमारे कोई बैड डेट्स हुए तो उसमें से यूज कर लेंगे, बट कोई बैड डेट्स हुए नहीं। एक बात याद रखना, जब हम कोई प्रोविजन मेंटेन करते हैं, जैसे करंट ईयर में मैंने कितना प्रोविजन मेंटेन किया, 4,000, क्या इसको मेंटेन करने का मीनिंग बता रहा हूं। ये 4,000 जो मैंने करंट ईयर में प्रोविजन बनाया है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो मेरे डेटर्स हैं उनमें से 4,000 के बैड डेट्स हो सकते हैं। एक बार के लिए मान के चलो एक रुपए का भी बैड डेट नहीं हुआ, तो ये जो प्रोविजन मैंने बनाया 4,000, इस साल तो मैंने एज अ एक्सपेंस पीएनएल में दिखा दिया, लेकिन अगर इसमें से एक रुपया भी बैड डेट नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट ईयर में पूरा का पूरा इनकम बन जाएगा। उसी तरह से लास्ट ईयर में हमने प्रोविजन कितना बनाया होगा, 1500, लेकिन उसमें से कोई बैड डेट्स नहीं हुआ, तो लास्ट ईयर का जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है, जिसका कौन सा बैलेंस शो रहा है, क्रेडिट बैलेंस, ये करंट ईयर में बेटा इनकम बन जाएगा। अब करंट ईयर में इनकम बनेगा तो इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। देखो, क्लास की तरह रट्टा नहीं लगवा रहा हूं मैं, ओल्ड प्रोविजन अगर गिवन है तो उसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसको पीएनएल की क्रेडिट साइड में शो कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो ओल्ड वाला है उसको पीएनएल की क्रेडिट साइड में शो कर दो, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, लेस, यहीं से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। आपको बढ़िया समझ में आए, आप क्या करिए, इसको नेट मैंने लिख दिया 6500। आप ऐसे याद रख लो, ऐड करना है न्यू प्रोविजन, लेस करना है ओल्ड प्रोविजन, ऐसा याद कर लो। जो न्यू प्रोविजन करंट ईयर में मेंटेन किया वो तो ऐड कर लेना है, और जो लास्ट ईयर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है प्रोविजन का वो लेस कर देना है। तो बेटा पीएनएल अकाउंट में जो बैड डेब्ट्स हैं सबसे पहले वो आएगा,
फर्दर बैड डेट्स आपने जो बनाए 2000 वो आएगा, टोटल कितना आ गया 4000, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप बनाएंगे, न्यू वाला प्रोविजन ऐड, ओल्ड वाला लेस। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये ओल्ड वाला प्रोविजन क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल में अपीयर करने की जरूरत नहीं है, फिर वही एडजस्ट हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस ये कर लो, इसका अमाउंट पीएनएल की डेबिट में आएगा, फर्दर बैड डेट से ऐड हो जाएगा, प्रोविजन मेंटेन करना है वो भी ऐड हो जाएगा, ओल्ड वाला प्रोविजन है वो लेस हो जाएगा। यहां तक ट्रीटमेंट हो गया। और बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स की फिगर थी उसमें से लेस हमने पहले किया था फर्दर बैड डेट्स वाला अमाउंट, लेस किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स वाला अमाउंट। अभी हमारे पास डेटर्स कितने के बचे हुए बेटा, 76,000। एक बात अभी और बाकी है इसके अंदर, चेक करिए। अगर हम लोग एडजस्टमेंट्स को चेक करते हैं, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2 ये दोनों कर दी। अगर एडजस्टमेंट नंबर 3 की बात करें तो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन हमें मेंटेन करके चलना है 2%। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जितने हमारे डेटर्स हैं उनमें से कुछ डेटर जब पेमेंट देंगे तो डिस्काउंट लेस करवा लेंगे, तो इसलिए हम डिस्काउंट प्रोविजन बनाकर चल रहे हैं 2%। बेटा अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेंटेन करोगे तो वो डेटर्स में से लेस हो जाएगा। यहां लेस करोगे प्रोविजन फॉर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो हमने मेंटेन करना है बेटा एट द रेट ऑफ 2%। और वो इन डेटर्स पर लेस होगा, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि पहले फर्दर बैड डेट्स की एंट्री बनेगी, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री बनेगी, फिर डेटर जो बचेंगे उसके ऊपर 2% करना है। तो इसका 2% आप कैलकुलेट करोगे, 76,000 का 2% अगर आप करेंगे 1520 रुपए, 1520 बनेगा। तो इसको यहां से लेस करके नेट अमाउंट जो बचेगा बेटा उसको यहां ले आएंगे हम लोग, 74,480 बचेगा बेटा। जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आप मेंटेन कर रहे हैं ये भी एक तरह का लॉस ही है, तो डेटर में से लेस होने के बाद ये पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में आएगा बेटा, लेकिन उसको बैड डेट्स में ऐड मत करना, अलग से शो करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो आपने मेंटेन किया 1520, पी एंड एल की डेबिट में आएगा और डेटर में से बेटा ये लेस हो गया। एक क्वेश्चन में अगर तीनों वैल्यूज हैं, फर्दर बैड डेट्स की एंट्री भी है, एक क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री भी है, जल्दी है क्या? और अगर एक क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है तो बेटा सबसे पहले हमें फर्दर बैड डेट्स एंट्री करनी है। एक बात और समझ लीजिए सभी लोग, ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब मैं आपको दूंगा, ट्रायल बैलेंस दिया उसके नीचे एडजस्टमेंट एंट्रीज दी, तो हो सकता है एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 6 to 8 एडजस्टमेंट एंट्रीज हो, तो उन एडजस्टमेंट एंट्रीज में ऐसा हो सकता है कि ये तीनों एडजस्टमेंट हो बट इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। सीक्वेंस चाहे ऊपर नीचे हो, सबसे पहले आपको फर्दर बैड डेट्स की एंट्री ही करनी पड़ेगी, उसके बाद जो डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री बनानी पड़ेगी, फिर जो डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर गलती से आपने डिस्काउंट ऑन डेटर्स का जो प्रोविजन बनाना है ये आपने ऊपर बना दिया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने नीचे बना दिया, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली गलत माना जाएगा। तो सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि पहले फर्दर बैड डेट्स की एंट्री बनानी है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री बनानी है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का नंबर आएगा। अगर फर्दर बैड डेट्स होंगे डेटर्स में से माइनस पीएनएल की डेबिट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओगे या बैड डेट्स का प्रोविजन बनाओगे डेटर्स में से लेस, पीएनएल की डेबिट में ऐड हो जाएगा बैड डेट्स में ही,
और अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन बनाएंगे वो डेटर्स में से लेस होगा, पी एंड एल की डेबिट में शो करेंगे बट बैड डेट्स में एड मत कर दीजिएगा क्योंकि बैड डेट सेपरेट थिंग है और डिस्काउंट प्रोविजन सेपरेट थिंग है, तो उनको सेपरेटली शो करिएगा। सही बात है। इस तरह से बेटा इसका ट्रीटमेंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये जो ट्रीटमेंट है। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर ये टॉपिक कवर होगा, उसके अंदर हम लोग इसको पढ़ के चलेंगे। आज इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन।